तो ये तकरीबन 8 महीनों में 11% टोटल एक्सपोर्ट डिक्रीज हुई है टेक्सटाइल की। लेकिन जो आप अक्टूबर से ऑनवर्ड अगर ट्रेंड देखें तो 15% पहले डिक्रीज हुई, फिर अगले महीने नवंबर में 18%, फिर 16%, 15%, 28% फेब में, और ये एक बड़ा मैसिव डिक्लाइन है। और अगर आप ये पहले 3 महीने का देखें, 1% इंक्रीज हुई, 8% इंक्रीज हुई, 3% इंक्रीज हुई, तो ओवरऑल ये एक तेज़ी से डिक्लाइनिंग साइड पे जा रही है। और इसको अगर आप ये इसका ग्राफ देखें, ये चार्ट देखें, तो ये येलो वाली जो है ये 2023 फाइनेंशियल ईयर की है, ये बड़ी तेज़ी से ये आपके सामने ये डाउन साइड पे ट्रेंड शो कर रहा है। दूसरी साइड पे जो 2022 का फाइनेंशियल ईयर था उसमें ये ट्रेंड आपके ब्लू लाइन है ये अप साइड पे कॉन्टिन्यूसली शो कर रही थी, जो कि जाके ये फेब में जाके थोड़ा सा इसमें माइनर सा डिक्लाइन आया था। अदरवाइज आप अगर उसका ट्रेंड देखें ओवरऑल राइजिंग साइड पे था। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक तो आपका डॉलर का स्टेबल ना होना, ये करेंसी डीवैल्यूएशन, बहुत सारे लोग कहते हैं एक्सपोर्टर को तो फ़ायदा होता है, एक्सपोर्टर को फ़ायदा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों में डैमेज होता है। इवन कस्टमर्स को कम्युनिकेट करते हैं कि हमारे हमें डिस्काउंट अलाउ करें क्योंकि आपको डॉलर में काफ़ी सारा गेन मिल रहा है। दूसरी साइड पे डॉलर का रेट इंक्रीज होने पे तकरीबन सारा रॉ मटेरियल आपका इम्पोर्ट होता है, आधे से ज़्यादा टेक्सटाइल का भी, तो वो सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। उसके अलावा एनर्जी जो है वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, बिजली या गैस है। और तीसरा आपके नॉलेज में होगा कि ये लास्ट वीक, ये मंडे जो पिछला मंडे गुजरा है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन इशू किया है कि 1 मार्च से जो टेक्सटाइल को पहले पिछले साल तक एक 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स को एनर्जी के प्राइसेस, बिजली की कीमत 19 रुपये 20 रुपये फी यूनिट फिक्स किया गया था, ताकि वो एनर्जी की टेंशन से निकलकर एक्सपोर्ट पे फोकस करें। वो अब दोबारा से उन्होंने कहा जो मार्केट का रेट चलेगा वही चलेगा, जो कि तकरीबन 40 रुपये के करीब, 38 से 40 रुपये के करीब बनती है पर यूनिट प्राइस, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है बिजली के यूनिट की प्राइस भी। और अगर वो जैसे फ्यूल सरचार्ज और दूसरे फ्यूल एडजस्टमेंट, प्रायर पीरियड जो एडजस्टमेंट्स होती हैं डिफरेंट किस्म की, वो चार्ज होती रहती हैं, टैक्सेस ऐड होते हैं, तो यकीनन आपके नॉलेज में है कि ये 50 रुपये तक फी यूनिट टच करता है। तो यही वजह है कि आप टेक्सटाइल सेक्टर में अभी देख रहे होंगे कि तमाम शेयर्स काफ़ी डाउन साइड पे हैं, और निशात मिल के अलावा तकरीबन सभी ने अर्निंग्स अपनी काफ़ी डिक्रीज करके शो की हुई है, आपके नॉलेज में होगा। ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है, ये जस्ट आपको एक डाटा एनालिसिस शेयर किया गया है। चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बहुत सारी दूसरी रिपोर्ट्स और डाटा टाइमली मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़ जी।